9 महीने हो चुके हैं और 4 महीने ये साल खत्म हो जाएगा, तो डिमोटिवेट हो रहे होंगे, घर में बोर हो रहे होंगे, तो मोटिवेट करूं करूं। चलो, नमस्ते भाइयों, मेरी और मेरी प्यारी प्यारी कोमल कोमल बहनों। रियल लाइफ में विनर बनने के लिए आपको चाहिए 9 आसान तरीके। उस 9 आसान तरीके को आप पालन करके अपनी लाइफ में विनर बन सकते हो और दूर हो सकते हो सारी मोह माया से। तो बने रहो, बताता हूँ 9 आसान तरीके जिससे आप लूज़र से विनर बन सकते हो। बताऊँगा, बने रहो और वीडियो एंड तक देखना, आपको मज़ा आएगा और आपको सीख मिलेगी कि कैसे बनना है रियल लाइफ में विनर। पहला तरीका आता है सेटअप योर स्पेसिफिक गोल्स। यू नीड टू नो वेयर यू आर गोइंग। इसका मतलब ये है कि आपको अपना लक्ष्य वो दिमाग में रखना है और लक्ष्य की तरफ जाना है। और हाँ, लक्ष्य की तरफ जाना है और आपको ध्यान रखना है कि आप नेगेटिव साइड की तरफ जा रहे हो कि पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहे हो, क्योंकि इस बीच में आपको बताने वाला कोई भी नहीं रहेगा। ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे जाना है, मतलब नेगेटिव वे में जाना है अपने गोल की तरफ या पॉजिटिव वे में जाना है। नेगेटिव वे में जाओगे तो आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। हाँ, लेकिन पॉजिटिव में भी आएगी, लेकिन लेकिन नेगेटिव वे में फेल 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 फिर सक्सेस। पॉजिटिव में भी ऐसे होता है फेल 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 फिर सक्सेस। जो पॉजिटिव वे में होता है वो उसकी जो वो होती है वो अचीवमेंट, वो 1-2 साल, 10 साल, 3 साल, 4 साल के बाद मिलती है। और जो नेगेटिव जो होता है वो ऑन द स्पॉट, आज है कल नहीं, कल है परसों नहीं, परसों है तरसों नहीं। ये तो ये आपके ऊपर है कि कैसे जाना है और अपना जो गोल है, चाहे आपको 90% लाना है, चाहे वो आपको 40% लाना है, चाहे चाहे आपको टॉप मारना है कॉलेज में, चाहे आपको कुछ भी दुनिया में करना है, तो आपको गोल सेट करना पड़ेगा अपना और लग जाओ काम पे। ये था टिप नंबर 1। टिप 2 ये कहता है कि यू नीड टू लर्न टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शन। मतलब आपने जो किया, आपकी मतलब आपने जो किया, जो आपकी वजह से जो एक्शन हुआ वो उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। चाहे आप फेल हुए तो इसके जिम्मेदार आप ही होंगे। चाहे आप लॉस में क्यों ना जा रहे हो, उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। चाहे आपका बॉस आपको खरी खोटी ही क्यों ना सुनाए, उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। चाहे आपको स्कूल से, कॉलेजेस से, या आपको रिजेक्ट किया है, या आपका ब्रेकअप हुआ है, उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। तो आपको एक्सक्यूज़ नहीं करना है, बोलना है सॉरी, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एंड और फिर से बता दूँ, जो भी आप काम करोगे उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। तो ये कहता है टिप नंबर 2। तीसरा होता है फॉर्मिंग अ विनिंग हैबिट। विनिंग हैबिट से मेरा मतलब है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। मतलब जल्दी उठो, कसरत करो और अपनी दिन की शुरुआत करो। और लूजिंग हैबिट से मेरा मतलब है कि टीवी देखो सो जाओ खाओ, टीवी देखो खाओ सो जाओ, टीवी देखो खाओ सो जाओ, जो कि बिल्कुल भी विनिंग हैबिट में नहीं आती। ये लूजिंग हैबिट में आती है। और हिंदी में कहावत है, जो सोवत है वो खोवत है। मतलब इंग्लिश में इसका मतलब है कि व्हेन यू स्लीप यू विल लूज ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ, इन योर गोल्स, इन योर डेली रूटीन। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं 21 साल का हूँ, ठीक है, मैं 21 साल का हूँ, तो 21 साल में मैं भी तो ये करता हूँ,
करता था, मानता हूँ करता था, लेकिन 6 महीने से मेरा ये रूटीन है, 3 बजे उठो, 4 बजे एक्सरसाइज, 5 बजे तक, और 6 बजे अपनी दिन की शुरुआत करो। हाँ, मेरा कॉलेज नहीं जाना हो पा रहा ड्यू टू पेंडेमिक, और मेरा कॉलेज समयपुर बादली में है, और आप, मेरा कॉलेज समयपुर बादली में है, मैं खुद गुड़गांव में रहता हूँ, तो मेरे को ट्रेन लगती है, मतलब मेरे को मेट्रो ट्रेन लगती है एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए, तो इसलिए ये मेरी विनिंग हैबिट है। मतलब आपको एक लाइन तो पता होगी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ज़रूरी है, ठीक है? मतलब सपोज़ कि हाँ, सपोज़ आपका एग्ज़ाम है, ठीक है? सपोज़ आपका एग्ज़ाम है, तो आप क्या खोगे? टीवी खोगे? टीवी तो मतलब एग्ज़ाम 6 महीने में एक बार आता है, ठीक है? सॉरी, 12 महीने में 2 बार आता है, चलो 3 बार आता है, चलो 4 बार आता है, ठीक है? 4 बार आता है, तो आप अपना नींद खोगे, टीवी खोगे, अपनी रिलैक्स करना खोगे, और दोस्तों के साथ मिलना तक खोगे। लेकिन होने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, वो बहुत ही अच्छी होती है, आपके लिए भी, मॉम डैड के लिए भी, आपके चाहने के लिए भी, आपके फ्यूचर के लिए भी, आपके बेटर लाइफ के लिए भी। तो ये था टिप नंबर 3। चौथा और मोस्ट कॉमन टिप, डोंट बी अफ्रेड टू फेल। इसका मतलब ये है कि आप सपोज पबजी खेल रहे हो, ठीक है, जो कि अभी डिलीट हो चुकी है, बैन हो चुकी है, और आने वाली है बहुत जल्द। तो मान लो कि आप पबजी खेल रहे हो, और आप नूब हो, NOB, मतलब नूब हो, ठीक है? तो आपको पहले एक दिन में चिकन डिनर नहीं मिलेगा, दूसरे दिन में नहीं मिलेगा, तीसरे दिन में नहीं मिलेगा, चौथे दिन में नहीं मिलेगा, आपको चिकन डिनर मिलेगा 10 दिन में जाके, 10 दिन में चिकन डिनर मिलेगा, ठीक है? तो ये कह रहा हूँ कि फेल होने के डर से मत डरो, फेल हो, क्योंकि आप फेल होगे, आप आपकी एक बेस बनेगी, ठीक है? आप दोबारा फेल होगे, आपकी दोबारा बेस बनेगी, आप दोबारा फेल होगे, दोबारा बेस बनेगी। ये जो बेस बन रही है, ये जो स्टेयरकेस बन रही है, वो आपको मदद करेगी आपके गोल तक पहुंचने में, ठीक है? एग्जाम्पल आप मेरे को ले लो, मैंने 12th 4-5 बार में क्लियर की है, जी हाँ, 4-5 बार में क्लियर किया, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, विच विच मीन फेल 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 फेल, फेल पास। हाँ, और उसके साथ साथ मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी कर रहा था, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ड्रॉप आउट कर दी, मैं ड्रॉप आउट हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, और मुझे उसका कोई भी गम नहीं है, क्योंकि वो मेरी कप ऑफ कॉफ़ी नहीं थी, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत लोग करते हैं, बच्चा बच्चा करता है इंडिया में और दुनिया में भी। मेरे को कुछ और करना था, जो कि मैं कर रहा हूँ, और मैं आपको आगे आने वाली वीडियो पर मैं बता दूंगा। तो फेलियर से मत डरो, फेलियर के बाद जो खुशी मिलती है उससे डरो, और जो बेस आपका तैयार होता है, उससे उस पर कदम रखो। देखो, पहली बार अटेम्प्ट किया, फेल, दूसरी बार फेल, तीसरी बार फेल, चौथी बार फेल, पांचवी बार फेल, छठी बार ऑन द स्पॉट जाके पास, क्योंकि हम ही इंडियंस में एक कहावत है, हम हिंदुस्तानी में एक कहावत है कि एक बंदा फेलियर से ही जीतता है, और सीखता भी फेलियर से ही है। तो फेलियर से मत डरो, चाहे वो आपका आपकी ऑफिस लाइफ में क्यों ना हो, कॉलेज लाइफ में क्यों ना हो, रियल लाइफ में क्यों ना हो, या स्कूल की लाइफ में क्यों ना हो, फेलियर को आने दो, और फेलियर के बाद जो बेस मिलेगा आपको, उससे आप जो सीखोगे, जो आपको खुशी प्राप्त होगी, उसमें आप उसको सीखो, फेलियर से सीखो, ठीक है? तो ये था टिप नंबर 4। टिप नंबर 5 कहती है कि बी ईगर टू लर्न एवरी डे।
इसका मतलब हर दिन सीखो, सीखते रहो 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 सीखते रहो, ताकि आप एक दिन दूसरों को सिखा सको। इसलिए सीखते रहो सीखते रहो सीखते रहो, ताकि आप एक दिन दूसरों को सिखा सको, ताकि दूसरे आपकी मिसाल दे कि वाह ये है बंदा, इसमें है दम, ठीक है, इसमें है दम, ये सीखना है, ये इसके जैसा बनना है, इसके बारे में और पता करो, इसके बारे में और छानबीन करो और इसको जानो, ठीक है। तो सीखते रहो सीखते रहो सीखते रहो सीखते रहो, साल 2 साल के बाद आप इतने सक्सेस हो जाओगे सीखने में, ताकि लोग आपको बुलाएं कि सर आइए टेड में आइए, मतलब टेड एक्स में आइए, और हमारे स्टूडेंट को मोटिवेट करिए, ताकि वो आपकी स्पीच से कुछ सीखे, और सीखने के बाद आपको याद रखे। तो इसलिए सीखते रहो सीखते रहो सीखते रहो सीखते रहो। हाँ, शेक्सपियर ने कहा है कि नहीं, शेक्सपियर ने कहा है कि किसने कहा है कि सीखने की कोई भी एज लिमिट नहीं होती, चाहे आप 50 के हो, 40 के हो, 30 के हो, 20 के हो, 90 के हो, 80 के हो, 70 के हो, 60 के हो, सीखने की कोई एज लिमिट नहीं होती। तो इसलिए सीखते रहो सीखते रहो सीखते रहो, और एक ना एक दिन लोग आपको बुलाएंगे कि सर हमें सिखाओ। हमें सिखाने का यह मतलब है कि वो जो आपका जो एक दिन जो कॉल आएगा, वो एक दिन एक अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलेगी, उसको जाने मत दो। तो ये थी टिप नंबर 5। छठा पॉइंट ये कहता है कि टेक रिस्क। इसका मतलब कि मान लो आप एक आर्मी ऑफिसर हो, तो आर्मी ऑफिसर को 365 डेज सरहद में रहना पड़ता है, और उसको उनको खतरा होता है कि उनकी छाती पे उनके कहीं पे भी गोली ना लग जाए। तो और हाँ, मान लो कि आप पुलिस में क्यों ना हो, और आपको ये तक नहीं पता कि आप आज रात को 10 बजे या 9 बजे अपने बेटे को मिल पाओगे कि नहीं मिल पाओगे। तो इसलिए रिस्क लो। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं जिस फील्ड में हूँ वहाँ पे 24 घंटे रिस्क है, मतलब हर घंटे में रिस्क है, क्योंकि क्योंकि मेरी जो फील्ड है वो ह्यूमैनिटीज़ की है, और ह्यूमैनिटीज़ की फील्ड में आपको मशीन से खेलना पड़ता है, मशीन के साथ प्यार करना पड़ता है, औजारों के साथ खेलना पड़ता है, टूल्स के साथ खेलना पड़ता है, आपको लकड़ियों के साथ दोस्ती बनानी पड़ती है, दोस्ती बनाने के बाद आप उनको जानते हो पहचानते हो, और फिर उसके अंदर काम करते हो, जॉइंट बनाते हो, फर्नीचर बनाते हो, फर्नीचर बनाने के बाद आपको काम आता है, नाम आता है, फेम आता है, पैसे आते हो, उन पैसों से आप फलाना ढिमकाना करते हो, अपने घर का रोजी रोटी चलाते हो। तो इसलिए रिस्क लेना सीखो और रिस्क लो, क्योंकि क्योंकि बिना रिस्क के कोई कुछ नहीं बनता। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, मान लो आपने आपका डॉक्टरी का पहला दिन है, ठीक है, तो आपको आपका जो डीन है, आपको जो प्रोफेसर है, वो कहेगा कि ये कॉकरोच है, कॉकरोच को इंटरसेक्ट करके दिखाओ, मतलब काटना है आपको, चीरा लगाना, मतलब काटना है, तो वो रिस्क है आपका बेहोश होने का, वो रिस्क है आपका सीखने का, वो रिस्क है आपका मोटिवेशन का, वो रिस्क है आपका डॉक्टरी बनने का। हाँ, डॉक्टरी की पढ़ाई थोड़ी सी टफ होती है, थोड़ी नहीं बहुत टफ होती है, लेकिन लेकिन बंदा रिस्क लेते ही सीखता है। आपको पता है आईपीएल चल रहा है, ठीक है, आईपीएल में रिस्क होता है कि बैट्समैन आउट ना हो जाए, कि हमें लग ना जाए, और हमें अगर लग गई तो हम अगले मैच में खेल नहीं पाएंगे, और अगर हम अगले मैच में खेल नहीं पाएंगे तो इसका मतलब ये है कि हम फिट नहीं है, फिट नहीं है इसका मतलब ये है कि हम अनफिट है, और हमें घर भेज दिया जाएगा। तो ये है टिप नंबर 6। टिप ये कहती है कि बी कमिटेड। बी कमिटेड से मेरा ये मतलब नहीं है कि
रिलेशनशिप में फंस जाओ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप में फंस जाओ। बी कमिटेड का ये मतलब है कि अपने काम से प्यार करो, काम को बढ़ाओ, काम को मोटिवेट करो, और हाँ गोल की तरफ लग जाओ। और एक दिन, एक ना एक दिन आपको अपनी फीमेल कैंडिडेट ज़रूर ज़रूर मिलेगी। और बी कमिटेड से मेरा मतलब, एक और बार कह रहा हूँ, रिलेशनशिप में पढ़ना नहीं है, क्योंकि जो बंदा रिलेशनशिप में है वो कभी भी बी कमिटेड इन गोल्स नहीं हो सकता। ठीक है, तो बी कमिटेड से मेरा मतलब है कि अपने गोल्स को के लिए फोकस रहो। पहला अपने ये सोचो कि अगर मैं वहाँ तक पहुँच गया, अगर मैं फेमस बन गया, अगर मैं सिंगर बन गया, अगर मैं कुछ भी बन गया, आर्टिस्ट बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, तो मेरी कितनी वाहवाही होगी, मेरी कितनी वो घर वाले कितने खुश होंगे। तो बी कमिटेड अगेन इज़ नॉट अ रिलेशनशिप टाइप। बी कमिटेड विद योर गोल्स, योर फ्यूचर, योर फॉर्चून, योर करियर। तो ये था टिप नंबर 7। स्टे फोकस से मेरा मतलब है कि दुनिया वाले आपको जो कुछ भी कहे, जैसे पहला एग्जांपल भाई क्यों कर रहे हैं, दूसरा एग्जांपल भाई क्या ज़रूरत है, तीसरा एग्जांपल भाई कुछ और काम कर लेती, चौथा एग्जांपल भाई क्या ज़रूरत है, पांचवा एग्जांपल भाई हम है चाहिए, छठा भाई यार इसे इसे करके तेरे को क्या मिलेगा, सातवा कोई स्कोप है इसका, आठवा यार लड़की कौन देगा, नौवा पैसे कितने मिलेंगे, ये कौन सी फील्ड में आते हैं। तो 10 के 10 के बंदों क्वेश्चन को मुंह बंद करने का तरीका है स्टे फोकस, लग जाओ काम पे, पुल अप योर सॉक्स, वेदर यू वांट 80, 90 और 100%, वेदर यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल मैन, whether you want to be a successful woman, whether you want to be a successful entrepreneur, whether you want to be a successful artist, whether you want to be a successful dancer, दुनिया वाले जो कुछ भी कहे, जो कुछ भी कहे, दुनिया वाले कहे कि भाई ये क्या ज़रूरत है, क्यों कर रहा है, फलाना ढिमकाना, हम तेज़े बात नहीं करेंगे, ये छोड़ दे करना, आपको अपने आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। और स्टे फोकस, दोबारा कह रहा हूँ, स्टे फोकस, स्टे फोकस, स्टे फोकस, प्लीज़ स्टे फोकस फॉर योर बेटर लाइफ स्टाइल। ये था टिप नंबर 8। आखिर ये कहता है कि यू हैव टू बी विलिंग टू वर्क हार्डर देन अदर। इसका मतलब ये है कि मान लो इसके बाद भी आपको अगर फेलियर मिले और डाउनफॉल बहुत सॉलिड मिले, तो आपको दिल छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है, शुरुआत से शुरू करो। ठीक है, जहाँ से आपने शुरू किया तो वहाँ से शुरू करो, स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड फिर देखो उस बंदे से आप कितना 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 कमा लेते हो, कितना हैप्पी रहते हो, कितना सक्सेसफुल रहते हो, कितना विनिंग वाली फीलिंग रहते हो, और अपने मॉम डैड को कैसे प्राउड करते हो, अपने कंपेनियन को कैसे प्राउड करते हो, अपने फ्यूचर पार्टनर को कैसे प्राउड करते हो, और लोग आपके बारे में बोलेंगे, बात करेंगे, बताएंगे कि हाँ इसके जैसा बन, इसके जैसा बन, इसके जैसा बन, जो स्क्रीन में जो बंदा देख रहा है उसके जैसा बन, और जो अभी जो बंदा देख रहा है, जो देखने वाला है, जो देख रहे हैं उसके जैसा बन, ताकि कोई भी बंदा आपको हिला ना पाए। और एक और, नेगेटिविटी छोड़ दो और स्टे फोकस, बी काम, बी सक्सेसफुल एंड बी हैप्पी। ठीक है, तो ये था आखिरी टिप विनर बनने का रियल लाइफ में। आज के लिए बस इतना ही, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके जाना, और मेरे को बताना कि आपने ये अप्लाई किया है अभी तक कि नहीं किया, और कमेंट करके बताना कि बेस्ट पार्ट कैसा, कौन सा लगा इस वीडियो में, चाहे वो
एक से लेकर दो ही क्यों ना हो, चाहे वो एक से लेकर नाइन ही क्यों ना हो, चाहे वो पूरी पूरी वीडियो ही बेस्ट पार्ट ही क्यों ना हो, तो दोबारा बता रहा हूँ, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और नए हो सब्सक्राइब करके जाना, और अच्छी लगे तो डबल लाइक और सब्सक्राइब दोनों करके जाना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। शब खैर, बाय बाय।